आप एक डेढ़ घंटे ही पढ़ाते हैं और इतना जल्दी वो क्लियर कर देते हैं हर एक चीज को। नेपाल में मैं एक एक ओनर के पास मैं काम कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट चला रहे हैं आप? ऐसे ही है। ठीक है, जब मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आपको मैं एक करता हूँ तो आपसे उससे होता है, वो अच्छा लगता है। कितना पैसा खर्च किया था आपने? 48 लगभग 80,000 आने जाने खाने 80,000 रुपया। आपके शब्द एडवांस निकले, गलत निकले और दूसरों तक पहुंचे और दूसरे ने क्लास ज्वाइन की और उनका नुकसान हुआ, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए आप बोलिएगा जो आपने सीखा, बताइए। आपका जो फॉल्ट फाइंडिंग है ना, ठीक, एक से एक है, बढ़िया। तो जो भी चीज जो फॉल्ट में हमें फंसते थे ना सर, उससे आपका जो नॉलेज है मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब मेरा CPO निकाल के बिठाने का जो बोले ना सर, ठीक है, उसके बाद में मैं अपने पे भरोसा गया कि मैं खुद से कर सकता। डबल डेकर भी किया। आपका जो ट्रिक है ना सर, जो आप बताते ना, जो कैसा क्या करने का, उससे मेरा हैंड स्किल अच्छा हो गया सर। सपोर्ट कैसा लगा आपको? सर सपोर्ट तो बढ़िया है सर, आपका जैसा सपोर्ट किधर नहीं मिलेगा, इतना तो मैं 100% कह सकता। आपका ये है कि मतलब किस पॉइंट पे टेस्ट करना है, कहाँ से करना है, मतलब शॉर्ट टाइम में आदमी अच्छे से काम कर सकता है। समय की बर्बादी ज्यादा होती थी और रिजल्ट नहीं मिलता था। बहुत बढ़िया सपोर्ट है, आप जब फोन करिए, जितने बजे करिए, तुरंत सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट के मामले में और मैं समझ रहा हूँ पढ़ाई के पढ़ने के मामले में जो आपसे सीख नहीं पाया, दुनिया में किसी इंस्टीट्यूट से सीख नहीं पाया। सर आपको नॉलेज बहुत ज्यादा और बहुत डीप सी है। ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया है मैंने एक जगह से और तो वहाँ से भी कुछ नॉलेज मिला है, लेकिन सर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत मतलब ऐसा नॉलेज देखा ही नहीं। जितने कम समय में हमें समझ में आ गया ये बहुत अच्छा लगा हमें। आप लोगों ने इतना समय दिया, शुक्रिया। बाकी लोगों से अगर बात करें तो काफी समय लग जाएगा, आपके समय का खास ध्यान रखना है। हम सबका रिव्यू लेंगे, अभी एक घंटा और लग जाएगा, तो दो दो लोग का लेंगे कोई बात नहीं। और मकसद हमारा पढ़ना है और इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। देखिए क्या होता है जानते हैं, जब आप कहीं पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ाने के बाद टीचर पूछता है आपको समझ में आया, आप बोलेंगे हाँ, सब ताली बजाएंगे, आप अपने अपने घर जाएंगे और कस्टमर आके आपकी ताली बजाएगा। बार बार कहता हूँ उनकी गलती नहीं है, जो पूछते हैं आपको समझ में आया और आप कहते हैं हाँ, आप अपने घर, वो अपने घर, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और ना ही उनकी ये जिम्मेदारी है कि आपके ऊपर बार बार जोर दे और आपके रिपीट करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या कमियाँ हो रही है, दुख सीख नहीं पाते हो, मेरे यहाँ लोग कैसे सीखेंगे, उसके लिए हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं। हम अभी आगे बढ़ जाए, डेट पढ़ा देंगे। चार्जिंग सेक्शन ध्यान नहीं रहा, डेट नहीं पढ़ पाएंगे। आप पूरा दिमाग लेके अपना पूरी क्लास में बैठते हैं, शुरू से बैठे हैं तो क्या लेके बैठे हैं? हम आए थे डेट और नेटवर्क पढ़ने के लिए, अक्सर लोग कहते हैं, मैंने देखा इंस्टीट्यूट में भी देखा, हम आए थे डेट और नेटवर्क। पूरी क्लास में आपका फोकस सिर्फ डेट और नेटवर्क होता है कि बस डेट शुरू हो जाए, नेटवर्क शुरू हो जाए और हमारे समझ में आ जाए, हम पढ़ लें, होशियार हो जाए। क्योंकि लोगों को समझता है भाई एक मुश्किल काम है, एक चार्जिंग नहीं बना पाएंगे आप, नेटवर्क क्या बनाएंगे, डेट क्या बनाएंगे, सोचिए आप फर्क पड़ता है। मैं बार बार क्यों पूछता हूँ, पीछे का टॉपिक आके क्यों, इतना कम लिखवाता हूँ कि पूछिए मत। ठीक है, अभी मैं सबका माइक ऑन कर रहा हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट है बात वही करेगा, माइक उसका ऑन करेगा, उसी वही ऑन करेगा जिससे मैं बात करना चाहूँगा और तुरंत माइक बंद कर देगा वो, ठीक है, क्योंकि एक एक लोग का माइक ऑन करने में दिक्कत होगी, मुझे सबका माइक ऑन किया है जिससे बात करूँगा भाई। चलिए ठीक है अशोका, अभी तो मैं अभी से बात करूंगा, पहले मुझे बताइए। देखिए अभी मेरा जानना ज़रूरी है, आप कितना जानते हैं और मेरे पढ़ाए के तरीके पर कितना खुश आप हैं, ये मेरा जानना ज़रूरी है कि मैंने जो पढ़ाया क्या उसमें आपको संतुष्टि है, आपने जो पढ़ा कम से कम जो चीज़ें जानी मुझे पता होनी चाहिए कि आपने क्या जाना, ताकि हम उसी हिसाब से आपको पढ़ा सकें। लोहता बनारस। ठीक है, तो आप हमारे से जुड़े हैं ऑनलाइन में, क्लास आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर लगे सर, बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपने बार रिपीट कराते हैं पुराने चीज। हाँ, एक चीज आपने पीछे एक बार कहा था, मिथुन और नरेंद्र का आपने जो डायग्राम देखा था, स्मृतिक देखा था, उसमें आपने एक सवाल उठाया था कि हम इंस्टीट्यूट में, आपने कहा था कि हम इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं और दो दो बजे रात को वहाँ की वीडियो बनती है, सुबह से। हाँ, दो दो बजे। हाँ बताइए, आप बताइए। सुबह से वो लोग वहीं पे रूम लेते हैं, होटल लेते हैं और सुबह से नाश्ता करने के बाद
क्लास में चले जाते हैं और बीच में सुनते हैं, एक घंटे के लिए लंच मिलता है, उसके बाद पूरी रात तक वो 8-9 बजे रात तक जितनी भी क्लास चलती होगी पूरा रात क्लास चलती है, उसके बाद इतना लंबा चैप्टर पढ़ाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और वो भी डिटेल में जाके कंफ्यूज जाते हैं। तो वही मेरा पूछने का था कि आप एक डेढ़ घंटे ही पढ़ाते हैं और इतना जल्दी वो क्लियर कर देते हैं हर एक चीज को, और ये लोग पूरा दिन लिखते पढ़ते हैं और कुछ भी क्लियर नहीं हो पाते। इसी का मैं सर उस दिन जिक्र किया था कि इतना लंबा कैसे पढ़ लेते हैं। आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया? ऑफलाइन हाँ किया। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिथुन मंडल, मैं आसाम से हूँ। आसाम से? अभी नेपाल में क्या कर रहे हैं आप? नेपाल में मैं एक ओनर के पास मैं काम कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट चला रहे हैं आप? ऐसे ही है। ठीक है, तो आपको आसाम से नेपाल बुलाया गया इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, यानी आपके अंदर काबिलियत है तभी आपको बुलाया गया? हाँ सर, जब मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आपको मैं करता हूँ, तो आपसे उससे होता है, वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप जो इंस्टीट्यूट मतलब ज्वाइन किया था, आप शायद गुजरात गए थे पढ़ने के लिए? हाँ सर। ऑफलाइन किया था आपने? ऑफलाइन किया था। ठीक है, कितना पैसा खर्च किया था आपने? 80,000 आने जाने खाने 80,000 रुपया। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ऑफलाइन आप करके आ रहे हैं और ऑनलाइन में आपको उससे अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है क्या? बहुत अच्छी मिल रही है, कोई कमी तो नहीं? कोई कमी नहीं है। अच्छा, हम देखना ये चाहते हैं कि ऑनलाइन में ऐसा क्या है जो पॉसिबल आपको लगता था कि नहीं हुआ है और वो पॉसिबल हुआ है। राजशेखर जी सामने आइए, मैं नहीं कहता आप एडवांस बात करिए, लेकिन जो आपने सीखा है कम से कम वो पब्लिक को बताइए कि भाई आपने क्या सीखा है। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप जो बोलेंगे या यूट्यूब पर लोग कैसे जाते हैं, कहीं इंस्टीट्यूट जाना होता है क्यों, वो रिव्यू देखते हैं, उस बच्चे ने क्या सीखा, वो बच्चे ने क्या सीखा, कोई बोलेगा बस ज़्यादा नहीं 3 मिनट लगेगा, डबल डेकर निकालेंगे और रिवोल्व करके डाल देंगे, 3-3 मिनट का दावा होता है, 15-15 मिनट का दावा होता है, बस ये निकाला लगा दिया, मालूम होता बच्चों का खेल है, इतना जल्दी कर लेते हैं ना। तो इंस्टीट्यूट वाले इतने फास्ट होते हैं कि भाई सब कुछ करा देते हैं जमीन से आसमान तक, और आदमी लगता है उड़ने, और उसी को देख के जब आदमी जाता है तो कहता है अरे यार देखा कुछ और हुआ कुछ। तो आपके जो शब्द हैं वो दूसरे का करियर बना भी सकता है और दूसरे का करियर बिगाड़ भी सकता है। मैं कितनों तगड़ा फॉल्ट बना लूं लेकिन पब्लिक उस चीज़ को नहीं समझेगी। पब्लिक किसको समझेगी? पब्लिक आपको समझेगी, भाई आपने सीखा तो क्या सीखा। तो आपके शब्द पर दूसरे की लाइफ होती है, तो दूसरे की लाइफ खराब करना है या बनाना है उसमें आपका 0 बैलेंस नहीं लगना है, ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। लेकिन अगर आपके शब्द एडवांस निकले, गलत निकले और दूसरों तक पहुंचे और दूसरे ने क्लास ज्वाइन की और उनका नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए आप बोलिएगा जो आपने सीखा। बताइए राजशेखर जी आपने क्या सीखा? सर मेरा नाम राजशेखर है, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। 1 महीने के पीछे से ज्वाइनिंग है सर। ठीक, क्लास ज्वाइन किया हूँ। हाँ। जब मैं सीखा था तो बेसिक मालूम था मेरे को। ठीक, जब आपके पास जब चालू किया ना सर, पूरा थोड़ा नॉलेज मेरा बढ़ गया है, और आपका जो ट्रिक है ना सर जो सिखाने का वो अच्छा लगा, और आपका जो फॉल्ट फाइंडिंग है ना ट्रिक एक से एक है बढ़िया। तो जो भी चीज जो फॉल्ट में हमें फंसते थे ना सर, उसे आपका जो नॉलेज है मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप कैसे फॉल्ट फाइंड करने का, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर आपका। और जो भी सीखना चाहता है तो अच्छा है सर आपके ऑनलाइन क्लास करने से। ऑफलाइन में तो क्या होता है सर, दुकान छोड़ के तो जाने को नहीं होता है, तो इससे अच्छा है कि आपके पास ऑनलाइन में अगर ज्वाइन हो गए ना आदमी, बेसिक अगर उसको नॉलेज रहा तो आपके पास आएगा तो पूरा सीख जाएगा, इतना तो मेरा 100% गारंटी है। क्योंकि उसको कंपोनेंट्स के बारे में अगर नॉलेज रहेगा ना तो आदमी आपके पास आपके सिर्फ आपके नॉलेज के ऊपर से ही काम कर सकता है, ये इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि हैंड स्किल में कितना काम कर लेते थे और हैंड स्किल में जो हमने आपसे कराया क्या वो पॉसिबल था? कहीं और से ऑनलाइन ट्रेनिंग करके आपने हैंड स्किल में कितना काम करते थे और क्या किया बाद में, बताइए। सर मैं तो पहला तो चार्जिंग कनेक्टर ऐसा सब करता था सर, जब आपने जब मेरा CPU निकाल के बिठाने का जो बोले ना सर ट्रिक है, उसके बाद में मैं अपने पे भरोसा गया कि मैं खुद से कर सकता हूँ करके मैं 1-2 बार ट्राई किया तो अच्छा हैंड स्किल भी मेरा अच्छा हो गया। ठीक है, तो उसमें पेस्टराइजर काम आप कर लेते जो नहीं कर पाते थे? अभी पूरा कर रहा हूँ सर। अभी डबल डेकर भी किया सर। ठीक है, आपने वीडियो बना के मुझे डाली थी, मतलब मेरे से क्लास करने के बाद ये पॉसिबल है कि हैंड स्किल भी आपका अच्छा हो जाएगा?
आपका जो ट्रिक है ना सर, जो आप बताते हैं ना, जो कैसा क्या करने का, उससे मेरा हैंड स्किल अच्छा हो गया सर। सपोर्ट कैसा लगा आपको? सर सपोर्ट तो बढ़िया है सर, आपका जैसा सपोर्ट किधर नहीं मिलेगा, इतना तो मैं 100% कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजशेखर जी। फैजाबाद, सर विजय सिंह नाम है मेरा, मैं फिरोजाबाद से बात कर रहा हूँ, और फिरोजाबाद फिरोजाबाद। अच्छा आगरा के पास, ठीक। हाँ आगरा के पास। पहले आपने कहीं से क्लास की है? हाँ किया है पहले क्लास में, तो ठीक है। ऐसे जो क्लास हम लोग करते हैं उसमें क्या है कि वो सब बस स्कीमेटिक के बारे में, ये यहाँ से ये लाइन ट्रेस करना, ये वो लाइन ट्रेस करना, अब कोई फॉल्ट आया तो बस इसमें स्कीमेटिक में घुस गए तो उसी को टेस्ट करना। लेकिन आपका ये है कि हमें किस पॉइंट पे टेस्ट टेस्ट करना है, कहाँ से करना है, मतलब शॉर्ट टाइम में आदमी अच्छे से काम कर सकता है। और ज्यादा मतलब ये पहले क्या था मेरा कि जैसे कोई फॉल्ट आया, जैसे लाइट का है या किसी भी सेक्शन का है, तो बस वही स्कीमेटिक खोला, उसमें ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग, मतलब समय की बर्बादी ज्यादा होती थी और रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन रिजल्ट अब ये है कि बस वो काम हार्डवेयर से भी हो जाता है, जरूरत नहीं हमें स्कीमेटिक तक जाने की, बस थोड़ा सा लाइन देखना है और काम हो जाता है, काम हो जाता है जी। शॉर्ट में काम नहीं पड़ता है कुल मिला। हाँ, आपको पता होगा कि भाई जो स्मेटिक हमने पढ़ाया है, स्मेटिक की जरूरत बहुत कम करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो ट्रिक आपको बताया है हार्डवेयर और बिटमैप के जरिए, वो मुझे लगता है कि जबरदस्त है आप लोगों के लिए। हाँ बस हार्डवेयर और ज्यादा ज्यादा बिटमैप से ही काम चल जाता है, स्कीमेटिक तो बहुत मतलब कम डियर किसी मामले में यूज करना पड़ता है। लेकिन पहले बस वही स्कीमेटिक खोल लिया, वही टेस्ट कर रहे हैं, मालूम पड़ा हो ही नहीं पा रहा, किसी मॉडल का है नहीं तो बैठे हुए हैं, हर मॉडल का स्कीमेटिक तो मिलता नहीं है। लेकिन अब तो बस हार्डवेयर से काम हो जाता है, तो उसकी आवश्यकता इतनी पड़ती नहीं। सपोर्ट कैसा लगा? और मेरा बहुत बढ़िया सपोर्ट है, आप जब फोन करिए जितने बजे करिए तुरंत सपोर्ट मिलता है, तुरंत सपोर्ट मिलता है, हल्की हल्की बैकअप मिलता है, मतलब सपोर्ट के मामले में, और मैं समझ रहा हूँ पढ़ाई के पढ़ने के मामले में जो आपसे सीख नहीं पाया दुनिया में किसी इंस्टीट्यूट से सीख नहीं पाया। क्या बात है। अच्छा विजय जी, एक बात और, ऐसा सपोर्ट में हुआ है क्या कि आपने फोन किया मेरा फोन उठा नहीं, ऐसा भी हुआ होगा? नहीं तो उठा नहीं, थोड़ी बहुत देर बाद, घंटे बाद, आधे घंटे बाद फोन आ जाता है। इंस्टीट्यूट का नाम कोई नहीं लेगा, किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा, बस पूछना ये है कि आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है। हाँ सर, आप कभी कभी बात करते हो, आपने पहले मुझसे कहा था कि आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन आपके कुछ शब्द हमने सुने थे और मैंने पकड़ लिया था, हमने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ली है, क्योंकि ट्रेनिंग लेकर ही आदमी इस तरह से बात कर सकता है जिस तरह से जो है आप बात कर रहे थे, है ना, और मैंने उस दिन आपको पकड़ा था। चलिए बताइए कि दूसरी जगह से आपने ट्रेनिंग लिया और मेरी जगह, क्या कुछ फर्क मिला आपको? सर फर्क ये है कि सर आपको नॉलेज बहुत ज्यादा और बहुत डीपली है। पहले आपने ऑफलाइन लिया था, हाँ ऑनलाइन लिया उसकी था? नहीं सर, मैंने ऑफलाइन लिया था, लेकिन उन्होंने 4G मोबाइल तो पढ़ाया ही नहीं था, 2G ही पढ़ाया था। अच्छा, हाँ सर, ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया है मैंने एक जगह से, और तो वहाँ से भी कुछ नॉलेज मिला है, लेकिन सर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत मतलब ऐसा नॉलेज देखा ही नहीं है। अच्छा, आप हैंड स्किल पर बताइए कि हैंड स्किल का काम क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं आप मेरे सपोर्ट से? नहीं सर, पहले तो डरता था, अपने हौसला हिम्मत बढ़ाई तो अभी CPU लगा लेता हूँ, सब रिवॉल्व कर लेता हूँ अच्छे से। ऑन भी कर लेते हैं सेट CPU लगा के, पहले हाँ, से किया है बात। सर, वीडियो भी बना के डाला। जी, चलिए बहुत बढ़िया लगा ये हैंड स्किल। मैं देखिए क्या है, कुछ चीज़ें ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, बहुत दिन से मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही थी सर ऑनलाइन क्लास कराइए, लेकिन और लोग जो कराते हैं, अगर उसी तरह से कराना होता तो आज मैं नहीं कराता, क्योंकि आपका पैसा खर्च होना है। मैं सोचता हूँ कि आप पढ़ें और जब आप नाम कमाएंगे तो नाम मेरा ही होगा, है ना, तो इस जिद में मैं तो रहता हूँ कि आप कुछ कामयाबी तक पहुँचे। अमित आपसे बात करना चाहेंगे हम, ठीक है ना जी, शुक्रिया आपका। अमित थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। चलिए बताइए अमित कि आपको क्लास कैसी जी लगी? हाँ सर, क्लास बहुत अच्छी लगी, क्लास बहुत अच्छी लगी, और कुछ चीजें जो है हम तो बहुत साल से प्रैक्टिकल में हैं, प्रैक्टिकल में हम बहुत साल से हैं, हमको नहीं लगता कि कोई होगा शायद, लेकिन थ्योरी प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास बहुत है, लेकिन थ्योरी जो जितने कम समय में हमें समझ में आ गया ये बहुत अच्छा लगा हमें। थ्योरी जी, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी तो से ही जो नहीं? है अब समझ में, फोन फोन जब आता है बंद आता है तो
बंद आता है तो हमें समझ में आता है कि अब क्या क्या हमें जो है तुरंत चेक करना है। चेक करके वहां पर पहुंच करके हमने जो है तुरंत जो है सेट को फिर आगे क्या करना है इसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जी अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि अगर हमारा लाइव सेक्शन जिस तरह से हम कई दिन लाइव सेक्शन अच्छे चलाते हैं, अगर लाइव सेक्शन आपने अच्छे से पढ़ा तो डेट की भी ट्रेसिंग कर लेंगे, नेटवर्क में बहुत सारा काम कर लेंगे और चार्जिंग को बना ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। जो है शुरू में समझ में नहीं आया कि जीआर क्या होता है, कैसे जो है होता है, अब समझ में आया कि जीआर सारे कंपोनेंट का लगा हुआ जो है पैरलर में लगा है, सीरीज में लगा है, तो उससे ही जीआर जो है जो बनता है जो होना चाहिए, और अपना दिमाग भी काम करना चाहिए कि यहाँ ये कंपोनेंट लगा है तो कितना जीआर बनना चाहिए उसका। खुद का हर एक कंपोनेंट का एक वैल्यू होता है, तो सब वैल्यू वैल्यू प्लस करके वो जीआर जो है उतना बनना चाहिए। ये समझ में आया? मतलब काम करने में पहले से इंटरेस्ट, मतलब एक उम्मीद थी कि भाई, एक बात ये थी कि भाई बिल्कुल बिल्कुल। काम नहीं होता, काम नहीं होगा, दिक्कत होगी, लेकिन अब आप लोगों को लगता होगा जैसे काम के अंदर इंटरेस्ट, जो आप लोगों ने इतना समय दिया शुक्रिया। बाकी लोगों से अगर बात करें तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन आपका समय भी कीमती है, आपको शॉप पर जाना होता है। अगर आपको कल पढ़ना है तो हम कल पढ़ाएंगे, आज पढ़ना है तो आज पढ़ाएंगे, आप अपना समय देख लीजिए भाई, आपको दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप पढ़ाएंगे तो सिर्फ आधा घंटा पढ़ाएंगे, पढ़ना चाहते हैं या कल पढ़ना चाहते हैं? नाश्ता पानी कर ले, नहा ले, दुकान में बैठ जाए तो भी पॉसिबल है। सर थोड़ी सी जल्दी करेंगे तो हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। अगर अगर जल्दी किए तो हो जाएगा, अगर सर पढ़ेंगे आराम से। सुनिए सर, अगर आराम से करना है तो हम लोग नाश्ता पानी कर ले, नहा धो ले, दुकान पे बैठ जाए तो भी आप बता सकते हैं, नहीं, फिर हम लोग आराम से अगर मजा सबको नहीं सबको मजा नहीं बैठ जाए। मजा सारे लोग नहीं कर पाएंगे इसमें, है ना। हम लोग बल्कि कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में बंद हो जाएगा अपने आप। और देखिए, हम चाहते थे एक लिंक और भेज करके बाकी लोग बचे उनका भी रिव्यू ले लेते, और उसी लिए हमने इसको रिकॉर्डिंग में डाला था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिव्यू अच्छा दिया, है ना। लेकिन मुझे सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके समय का खास ध्यान रखना है। हम सबका रिव्यू लेंगे, अभी 1 घंटा और लग जाएगा, तो दो दो लोग का लेंगे कोई बात नहीं। और मकसद हमारा पढ़ना है और इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। क्या कि देखिए, अभी हमारा रूट चेंज हो गया है, अभी हम डेट पढ़ लेते, अभी हम इस इंक्वायरी में लग गए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, अभी हम इस इंक्वायरी में लग गए। तो अभी क्या है ना, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, और पैटर्न अगर चेंज हो जाए तो काम का मजा नहीं है। काम का मजा कब है, जब हम एक ही पैटर्न पर एक ही रूट पर चले, है ना। और ये वी रेख ने हमें घुमा दिया, वी रेख पीछे का अगर छूटा नहीं कि आगे मामला टूट जाएगा। हम बार बार बोलते हैं कि इतना कम लिखवाया हूं और उससे क्या क्या बना लेते। सोचिए, मिथुन है, नरेंद्र है, ये लोग पूरी पूरी डायरी लेके बैठे हैं, लेकिन बोलते हैं सर सारी चीजें हमने साइड में उठा के रख दी। किससे बनाते हैं? बनाते हैं हमारे बताए गए फॉर्मूले से, सिर्फ 3-4 लाइनों से पूरा पूरा सेट बना रहे हैं। सोचिए, जिसको बेसिक कहा जाता है इंस्टीट्यूट में, वो एडवांस है कि नहीं है बताइए आप। रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, ये बेसिक पढ़ा के आगे बढ़ के एडवांस की बात करते हैं, डेट सेक्शन में एडवांस की बात करते हैं। और आपका जो है इसके अंदर कौन सा सेक्शन बन रहा है, कौन सा होल्ड बन रहा है, पीएस होल्ड बन रहा है, रिसेट बन रहा है, इसको लोग एडवांस कहते हैं। पावर ऑफ सीक्वेंस, इसे लोग एडवांस कहते हैं, लेकिन मैं कभी उसे एडवांस कहता है नहीं, ये बहुत हल्की चीज है। लेकिन स्टार्टिंग में जो बेसिक जिसे लोग कहते हैं, मैं उसे एडवांस कहता हूँ, बस उसी को एडवांस करता हूँ, और ये सब्जेक्ट आपका आसान हो जाता है।